अगल बगल लिखा जाता राम चरित मानस ऐसा लिखना चाहिए था। वो स्वामी जी ने ऊपर नीचे लिखना शुरू कर दिया, राम ऊपर चरित बीच में, मानस नीचे। तो किसी ने कहा बाबा नाम तो ऊपर नीचे क्यों लिख रहे हो, नाम तो अगल बगल में लिखा जा, ये आप ऐसा क्यों लिखते हो, ये ऐसी परंपरा तो है नहीं हमारे यहाँ नाम लिखने। तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर समाधान किया, तात्विक समाधान है, आध्यात्मिक समाधान है, भक्ति प्रधान समाधान है, तर्कसम्मत समाधान है, न्याय संगत समाधान है। गोस्वामी जी ने कहा कि देखो मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, ये साधारण नाम नहीं मैं इस ग्रंथ का लिख रहा हूं, मैं प्रभु मिलन की सीढ़ी लगा रहा हूं, पिया मिलन की सीढ़ी लगा रहा हूं। प्रभु मिलन की सीढ़ी कहे, हाँ कैसी सीढ़ी लगा रहे, के देखो राम तीसरे तल पर बैठे और मनुष्य को दो सीढ़ियां चढ़नी है, मानस की और चरित्र की, दो सीढ़ियां मनुष्य चढ़ेगा, तीसरे तल पर परमात्मा बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हैं ऐसे भक्तों की, इसलिए नाम नहीं है सीढ़ी लगा रहे हैं, चरित्र और मानस की दो सीढ़ियां हैं और तृतीय तल पर परमात्मा स्वयं बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। बंधुओं माताओं, दुर्भाग्य से मानस भी मलिन हो गया, चरित्र ही पतित हो गया, परमात्मा बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई तो आ जाए भला आदमी जिसका हम दर्शन करें। नामकरण किया रामचरित मानस के नाम, रामचरित मानस के नाम, सुनत सवन पा विश्राम, सुनत सवन पा विश्राम, रामचरित मानस का नाम रामचरित मानस है। विद्वानों ने गोस्वामी जी को टोका, क्यों, कि इसके पहले जिन्होंने भी राम कथा को गाया है उन्होंने रामायण कहा, आप मानस क्यों कह रहे हो। बहुत सुंदर चर्चा है, ध्यान से सुनना। अन्य विद्वान संतों ने रामायण गाया है, किसी ने वाल्मीकि रामायण, किसी ने कम्ब रामायण, किसी ने तमिल रामायण, किसी ने अध्यात्म रामायण, रामायण की संज्ञा दी है इस कथा को, और आप मानस कहते हो क्यों। बाबा ने बड़ा सुंदर समाधान किया, बाबा ने कहा देखो रामायण यानी क्या होता है, रामायण यानी रामस्य अयनम इति रामायणम, भगवान राम का मंदिर, भगवान राम का घर, वह होता है रामायण। रामस्य अयनम, अयन माने घर, और भगवान का मंदिर में रहते उनका घर वही है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो मंदिर में जाने के लिए बहुत झंझट होता है, मंदिर में जाने के लिए झंझट बहुत होता है, आप मंदिर में कभी नहीं जा सकते, मंदिर में जाने के लिए शुचिता पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है, मंदिर में जाने के लिए आपको समय का ध्यान रखना पड़ेगा, मंदिर में जाने के लिए आपको मंदिर के नियमों का पालन करना पड़ेगा, करना पड़ता है कि नहीं। आप जब चाहो तब मंदिर नहीं जा सकते हो, आपका मन किया कि नहीं हम दोपहर में 12 बजे मंदिर दर्शन करेंगे, नहीं हो सकता है, पुजारी उस समय मंदिर बंद कर देगा, आप दर्शन नहीं कर सकते। फिर मंदिर में जाते हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है नहाए हैं कि नहीं है,
बिना स्नान किए आप मंदिर में नहीं जा सकते, मंदिर का एक अनुशासन होता है। मंदिर में खाली हाथ नहीं जा सकते, कुछ लेकर जाना पड़ता है, ऐसी व्यवस्था है। मंदिर में जाकर कुछ चढ़ाना पड़ता है, मंदिर में जाकर कुछ श्लोक गाने पड़ते हैं, कुछ स्तोत्र गाने पड़ते हैं, भगवान को मनाना पड़ता है। कुल मिला के मंदिर में जाने के लिए मंदिर के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं, देखो जो पढ़े लिखे हैं, जो विद्वान हैं, जो नहाए धोए हैं, जो निर्मल हैं, जो पवित्र हैं, जो शुद्ध हैं, वो तो पढ़े रामायण, क्योंकि हम मंदिर है। और जो हमारी तरह तुलसीदास की तरह मतिमंद तुलसीदास हूं, जो मतिमंद है, जो कमजोर है, कम पढ़े लिखे, रोज नहा धो भी नहीं सकते हैं, रोज उनके पास कुछ है भी नहीं चाहने, ऐसे लोगों के लिए रामचरित मानस है सरोवर है। ये सरोवर है क्यों? क्योंकि सरोवर में कोई नियम नहीं होता है। आपने सरोवर यानी तालाब, तड़ाग, सरोवर का कोई नियम नहीं होता है। जब चाहो तब नहाओ, जब जो चाहे सो नहाए, रात के 2 बजे जाओ कोई मना नहीं करेगा, नहा के जाओ, बिना नहा के जाओ, खा के जाओ, बिना खाए जाओ, चाहे जैसे जाओ, सरोवर में कोई मना ही नहीं है, सरोवर स्वतंत्र है आपके। तो रामचरित मानस सरोवर है, जैसी इच्छा जब चाहो तब। और बंधुओं माताओं, सरोवर में आपने देखा होगा चार तरफ से घाट बने होते हैं, ट्रेबल काउंटर होते हैं, चार तरफ से घाट बने होते हैं सरोवर। और आपने पुराने सरोवर यदि देखा हो तो ध्यान दो जरा, 3 तरफ सरोवर में सीढ़ियां बनी होती हैं और 4th तरफ सपाट छोड़ दिया जाता है। क्यों? सीढ़ियों से मनुष्य उतरेगा और जो सपाट छोड़ा है उससे पशु आएगा, वह प्यास बुझाएगा अपनी जलती का, ऐसा। तो गोस्वामी जी ने भी जब रामचरित मानस को सरोवर माना तो 4 घाट गोस्वामी जी को बनाना ही पड़ता, और बनाया भी उन्होंने। कौन कौन से घाट? 3 घाट तो पुराने जो वेदों ने स्वीकार किया है, ज्ञान घाट, कर्म घाट और भक्ति घाट। ये 3 घाट पूर्ववत है, एज इट इज उन्होंने रख दिया, ज्ञान घाट, कर्म घाट, भक्ति घाट, तीनों में कोई परिवर्तन नहीं। इसी पर याज्ञवल्क के लिए और भरद्वाज जी बैठे हैं, इसी पर भगवान शिव पार्वती बैठे, इसी पर काक भूषण जी और गरुण बैठे हैं, यह 3 घाट के श्रोता और वक्ता ही है। तो 4th घाट जो जानवरों वाला है वो गोस्वामी जी ने अपने लिए चुन लिया। क्यों? क्योंकि प्रभु हमसे तो न ज्ञान हो पाएगा, न भक्ति, न कर्म, हम इन तीनों के योग्य नहीं है। ज्ञान, कर्म, भक्ति हमसे नहीं होगा, इसलिए हमको तो 4th घाट का अधिकारी तुम मानो, जहां पर व्यक्ति शरणागत हो जाता है। वह 4th घाट शरणागति का घाट गोस्वामी जी ने रखा है, ज्ञान, कर्म और भक्ति एक तरफ और शरणागति का 4th तरफ, जहां पर बालक अपने पिता की गोद में जैसे बैठ जाता है, वैसे ही भक्त भगवान की गोद में जाकर बैठ कर और कहता है, प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, जड़ जड़ है
गोस्वामी जी ने बनाया शरणागति का घाट और उसी के श्रोता और वक्ता के रूप में स्वयं बैठ गए हैं बाबा। ये कथा परमात्मा से परिचय कराती है, क्योंकि बिना परिचय के अपरिचित आदमी से कभी मिलने का मन नहीं करता है। यह कथा काम क्या करती है देख, मैं प्रसंग में प्रवेश थोड़ा विलंब से करूं, महिमा सुनो। ये कथा काम क्या करो, ये परमात्मा से परिचय कराएगी, क्योंकि बिना परिचय के आपको उससे प्रेम हो ही नहीं सकता। अपरिचित आदमी से आपको कभी भी मिलने की इच्छा नहीं करेगी, जिससे आपका परिचय नहीं उससे आप मिलना चाहते हो कभी नहीं। परिचय बिना परिचय के मिलने की इच्छा नहीं होगी, जब तक मिलोगे नहीं तब तक प्रेम नहीं होगा। तो परमात्मा से परिचय भी नहीं है और परिचय नहीं है इसलिए प्रेम नहीं है। सबसे पहला सूत्र है परमात्मा से मिलन का, क्या है वह? वह है परिचय। परिचय करो, हम और तुम हैं कौन, परिचय होना चाहिए। बाबा ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है ना उत्तरकांड में, जाने बिनु न होइ परिचय, जाने बिनु न होइ परिचय, परती नहीं प्रीति, बिनो परती नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं बगलती।
प्रीति बिना नहीं भगते दयाई में खगपति चल चिकनाए में खगपति चल चिकनाए में खगपति चल पहले परिचय चाहिए। बिना परिचय के परमात्मा से मिलन संभव ही नहीं। ये कथा परिचय कराती है। परिचय होगा फिर प्रेम होगा, प्रेम होगा तो फिर मिलने की इच्छा होगी। और कल मैंने निवेदन किया था परमात्मा प्रेम से प्रकट होते हैं, और कोई सूत्र नहीं है जिसके लिए भी आए हैं प्रेम से आए हैं। प्रेम से बुलाने पर परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। बाबा शिव ने माँ पार्वती से यही कहा था, देवी और कोई सूत्र नहीं है, जैसे घर्षण से अग्नि प्रकट होती है वैसे ही परमात्मा भी प्रेम की पुकार से प्रकट हो जाता है। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। फिर से इस चौपाई को गाइए, प्रसंग में प्रवेश करिए। सगुण अगुण कि परमात्मा सगुण है कि परमात्मा निर्गुण है, नहीं कर सकता। हमारी बुद्धि वहां तक है ही नहीं। 30 वर्ष तो हो गई माला जपते जपते, तो उसने पूछा कि जपते क्यों हो, जपते क्यों? अब वो कुछ बोल ना पाए। बाबा अब ठीक है, जपते अच्छा लगता है इसलिए जपते, बस अच्छा लगता है। भगवान मिला महात्मा ने कहा ये तो पता नहीं मिला कि नहीं, वैसे लगता नहीं मिला। फिर जपते क्यों? 30 साल से जप रहे हो भगवान नहीं मिला, और जपे जा रहे हो समय पर बात करो, करते क्या? उस भगवान ने कहा देखो भाई, हम तो बिना अनुभव के कोई जीत मानते नहीं है, किसी के कहने से हम नहीं मानते हैं। पढ़े लिखा समाज है, इस दिन में भी इस प्रकार की ढोंग की बातें हो रही है, अंधविश्वास की बातें हो, जपे जा रहे भगवान से मतलब नहीं मिला, नहीं अनुभव कुछ हुआ, नहीं जप रहे हो। महात्मा ने उस नौजवान से पूछा, अच्छा तुम उसी बात को मानते हो जिसका अनुभव कर लेते हो? कहे हाँ, हम उसी बात को मानते हैं जिसका अनुभव कर लेते हैं। तो उस महात्मा ने उस नौजवान से पूछा, ये बताओ जहर कैसा होता है? नौजवान ने कहा जहर कैसा होता है? कहे जहर खाने से आदमी मर जाता है और क्या। कहे तुम्हें कैसे पता? चखा कभी तुम? नहीं चखा तो फिर तुमको कैसे पता? अभी तो तू कह रहा था बिना अनुभव के कोई बात में मानता नहीं हूं, तो तुझे कैसे पता जहर खाने से आदमी मर जाता है? उसने कहा रे समाचार पत्र में मैं सुनता हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखता हूं, मैंने कई बार सुना कि आदमी जहर खाने से मर जाता है। चिकित्सा शास्त्र कहता, वैद्य कहते हैं जहर खाने से आदमी मर जाता है। बाबा ने उस नौजवान का कान पकड़ा, मूर्ख जहर पर भरोसा करता है, वैद्य पर भरोसा करता है, समाचार पत्र पर भरोसा करता है, टीवी पर भरोसा करता है, लेकिन साधु संतों की वाणी पर भरोसा नहीं करता है, रामचरितमानस पर, रामायण पर, गीता पर, भागवत पर भरोसा नहीं करता है, वेद पुराण उपनिषद पर भरोसा नहीं करता है, कि लोग कहते हैं परमात्मा प्रकट हो जाता है प्रेम से बुलाने पर, इस पर भरोसा नहीं करता है, तो जहर पर भरोसा करता है। जहर पर माताओं यही समाज की गति है। जहर पर
भरोसा होगा, परमात्मा पर भरोसा नहीं होगा, कथा पर भरोसा नहीं होगा। और कल मैंने निवेदन किया था, पढ़े लिखे लोग ज्यादा बहस करते हैं कि भगवान सगुण है कि निर्गुण है कि निराकार है कि साकार है, ब्रह्म होता कैसा है, स्वरूप क्या है। आपने कभी नहीं सुना होगा गांव की माताओं को ये बहस करते हुए कि भगवान सगुण है कि निर्गुण है, भगवान कौन है, राम है कि कृष्ण है कि शिव है कि काली है कि दुर्गा है कि कौन है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि गांव की माताएं इस प्रकार के विवाद में पड़े। जानते हो क्यों? ऐसा नहीं है वो अनपढ़ है, कुछ जानती नहीं है, वो सब जानती है। गांव की माताएं सब जानती हैं, मानती हैं और इसीलिए गाती हैं।